वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत आज से पटना से चलकर हावड़ा के लिए शुरुआत होगी और इसका लोकार्पण, इसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 12:30 बजे। और देखिए ठीक जो पायलट होते हैं उनके केबिन में है मौजूद, उनसे बात करेंगे। एक महिला है, महिला ये ड्राइव करेंगी, चलाएंगी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर जो 33% आरक्षण दिया है, तो अब कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो लगातार जो महिला है उन पर ज़्यादा खास ध्यान जो है वह केंद्र सरकार दे रही है, और उसको लेकर आज वंदे भारत एक्सप्रेस भी रवाना होंगे पटना से हावड़ा के लिए। हमारे साथ गुड्डी जी है, बात करेंगे। मैम आज आप ही चलाने वाली हैं? जी हाँ, मैं ही चलाने वाली हूँ। क्या गुड्डी नाम है? हाँ, मेरा नाम गुड्डी कुमारी है। इससे पहले भी आप चला चुकी हैं? हाँ, दूसरी ट्रेन चला चुकी हूँ। वंदे भारत का एक्सपीरियंस पहले बार? पहला बार है। ये बताइए आप यहाँ से चलकर हावड़ा तक? हाँ, जहाँ तक प्रशासन का ये है वहाँ तक जाएंगे। कहाँ की रहने वाली हैं? पटना की। पटना की रहने वाली? पटना में कहाँ? पटना में ही, पटना तक की रहने वाली, भागवत नगर। क्या कहिएगा, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो महिला आरक्षण बिल लाए हैं उस पर क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है, उनका बहुत अच्छा योगदान है, काफी अच्छा ये लाए हैं प्रपोजल। क्या कुछ सुविधाएं हैं पैसेंजरों के लिए वंदे भारत में? पैसेंजर के लिए तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सारा वीडियो कैमरा वगैरह लगा है, पानी भी गर्म ठंडा हुआ भी देख सकते हैं आपकी बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। सीट वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल है और विंडो भी काफ़ी बड़ा बड़ा है और अच्छा है, लुकिंग अच्छा है। तो अन्य ट्रेनों से सुविधाओं से लैस है ये? जी जी हाँ, काफ़ी। गेट भी ऑटोमेटिक लगते हैं? गेट भी ऑटो। जो लोग गेट पे बैठते थे अब वो गेट पे नहीं बैठेंगे। सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा सेफ्टी इसमें रखा गया है। हाँ, बहुत चलिए। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे जो है वो शुभारंभ करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस का। आपको बता दें कि पटना से चलकर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस मात्र 6 घंटे में पहुंचाएगी, और उसको लेकर हम जब बात किए महिला सशक्तिकरण को लेकर, जब देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया है, महिला आरक्षण बिल लाया है, उसको लेकर भी गुड्डी जी हैं वो ड्राइव करेंगे और पटना से हावड़ा लेकर चलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में 7:00 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।